दोस्तों, छठ पूजा आप लोग आमतौर पर नदियों और तालाबों में आपने देखा होगा, पर आज मैं आपको अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर शहर में समुद्र के तट पर छठ पूजा का आयोजन पहली बार दिखा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी पहली बार है। ये देखिए, पोर्ट ब्लेयर शहर का कॉर्बिन्स कोव बीच है, जहाँ श्रद्धालु छठ पूजा आयोजित कर रहे हैं और यहाँ पूजा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ कितना श्रद्धालु आए हैं, सभी छठ पूजा के लिए देखिए बैठ के गीत गा रहे हैं। मैं भी यहाँ दिख रहा हूँ। यहाँ देखिए कैसे पानी का जो स्रोत है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। चारों तरफ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, एक अलग ही नज़ारा है। ऐसे छठ पूजा जो है एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है, जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। ये जो पूजा होता है, ये देवी प्रकृति के छठे रूप और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्यौहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह जो पर्व है दीपावली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज पोर्ट ब्लेयर में शाम का जो अर्घ है वो शाम 4:51 में निर्धारित किया गया है। छठ पूजा सूर्य देवता सूर्य को ही समर्पित है, क्योंकि सूर्य प्रत्येक प्राणी को दिखाई देता है और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार भी सूर्य ही है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। देखिए कितने श्रद्धालु सभी डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हुए, डूबते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके बैठकर भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ 1, 2, 3 नहीं, कई सारे लोग हैं। पूरा का पूरा कॉर्बिन्स कोव बीच खचाखच भरा हुआ है। ऐसे तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठी मैया बच्चों को बीमारियों और समस्याओं से बचाती है और उन्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। देखिए कितने सारे लोग आए हैं और जो समुद्र का जो वेव है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज ऐसे लो टाइड है, समुद्र में पानी काफ़ी कम है। देखिए श्रद्धालु कैसे बैठ के पूजा अर्चना कर रहे हैं। Thank you.
अब समुद्र की लहरें बढ़ रही है धीरे धीरे। अब देखिए अर्घ देने का समय होने चला है, सूर्य अस्त करीब करीब हो ही रहा है। अभी लगभग 4:40 है, 10 मिनट के बाद सूर्य अस्त हो जाएगा। अभी देखिए माताएं और बहनें सभी डूबते सूर्य को प्रणाम और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पीछे लहरें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए यहाँ दीप वगैरह सभी जलाकर भगवान सूर्य की अर्चना हो रही है, और उधर समुद्र की लहर देखिए। देखिए समुद्र में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मेरे जीवन में ये पहला समय है कि मैं समुद्र में छठ पूजा का इस तरह का आयोजन मनोरम लग रहा है। और समुद्र की लहरें भी साथ साथ जब चल रही है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए समुद्र के देखिए पीछे साइड समुद्र का, और ये जो देखिए सामने जो नारियल का जो पेड़ है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा का पूरा बीच नारियल के पेड़ से भरा है और लोग भी काफ़ी हैं। और हमारे पीछे देखिए समुद्र की लहरें धीरे धीरे अपने उफान पे आ रही है, लहर भी काफ़ी तेज होता जा रहा है धीरे धीरे। सूर्य अस्त का काफ़ी समय आ चुका है, काफ़ी करीब समय आ चुका है। देखिए उधर भी काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। देखिए इस साइड भी है, मतलब पूरा जो ये समुद्र तट है पूरा का पूरा श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। यहाँ माताएं बहनें पूजा कर रही है। अब देखिए लगभग समय हो चुका है, कितना खूबसूरत। सभी कोई मोबाइल से अपना अपना सेल्फी ले रहे हैं और बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं पानी में, बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए अब अर्घ का समय हो चुका है, ये 4:51 पूरा पूरी हो चुका है। 4:51 में ये शाम का सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। देखिए ये भैया दे रहे हैं अर्घ, और देखिए ये सामने हमारे यहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है। देखिए पोर्ट ब्लेयर शहर का बहुत ही अच्छा जगह है कॉर्बिन स्कूल, यहाँ अक्सर आए दिन ऐसा प्रोग्राम होता ही रहता है, और विशेषकर आज